बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकबाल सैर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, इसराइल में छोटा तैयारा सड़क पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में मियां बीवी हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक इसराइल में एक इंजन वाला छोटा तैयारा हचकोले खाते हुए हाईवे पर गिर गया और जहाज़ में खौफनाक आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया के मुताबिक निजी मलकियत के हामिल तैयारे ने नवाही इलाके से शहर के लिए परवाज भरी, ताहम किसी तकनीकी खराबी के बायस पायलट ने सुपर हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों के दरमियान ही हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। यारा हंगामी लैंडिंग के दौरान पायलट के काबू से बाहर होकर हाईवे से आमूदी टकरा गया। तैयारे के परखचे उड़ गए और इंजन में आयल ज़्यादा होने की वजह से तैयारे में खौफनाक आग भड़क उठी। जहाज में सवार पायलट 51 साल शौहर और बीवी मौका पर ही हलाक हो गए। मुकम्मल तौर पर जल जाने के बायस दोनों की लाशें शनाख्त के काबिल नहीं रहीं। खुशकिस्मती से हाईवे पर तैयारे के गिरने के बावजूद किसी और गाड़ी या शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। वाकये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।